अमेरिकी डॉक्टर जो 40 लाख डॉलर हिंदू धर्म के लिए देने को तैयार है, आखिर क्या है वजह कि शख्स अपनी सारी कमाई हिंदू धर्म पर लगा रहा है। ये है अमेरिका में भारतीय मूल के एक डॉक्टर जो आजकल काफी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं इस डॉक्टर की पूरी कहानी जो अपनी सारी कमाई हिंदू धर्म पर लगा रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल के एक डॉक्टर इन दिनों चर्चाओं में है। इसकी वजह है कि वो अमेरिका में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 40 लाख डॉलर देने का ऐलान कर चुके हैं। मिहिर मेघानी नाम के इस भारतवंशी डॉक्टर का कहना है कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है बल्कि ये एक जीवन शैली है। उन्होंने लगभग 2 दशक पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हिंदू अमेरिका फाउंडेशन की स्थापना की थी। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में वादा किया था कि वो अगले 8 सालों में हिंदुओं के हितों के लिए 15 लाख डॉलर देंगे। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 15 लाख डॉलर की इस मदद को मिला ले तो वो अगले 2 दशकों में 40 लाख डॉलर दान करने वाले हैं। इसके साथ ही वो संभावित रूप से पहले ऐसे भारतवंशी अमेरिकी बन गए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए इतनी बड़ी धनराशि देने का वादा किया। मिहिर कहते हैं कि मेरी पत्नी और मैं अब तक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को 15 लाख डॉलर दे चुके हैं। हमने बीते 15 सालों में हिंदू और भारतीय संगठनों को 10 लाख डॉलर से अधिक की आर्थिक मदद दी है। हमने 8 सालों में भारत समर्थित और हिंदुओं के संगठनों को 15 लाख डॉलर देने का भी संकल्प ले रहे हैं। आपको बता दें अगर उनके इस हिसाब को जोड़ा जाए तो जल्द ही 40 लाख डॉलर एक हिंदुओं की संगठन को दान कर चुकेंगे। अगर इन आंकड़ों की बात की जाए और इन आंकड़ों को देखा जाए तो अगर इसी रफ्तार में मिहिर दान करते रहे तो वो हिंदू संगठनों को करीब 40 लाख डॉलर दान कर चुके होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने पैसे देने की वजह क्या है। मिहिर का कहना है कि मेरी पत्नी और मैं अब तक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन में 15 लाख डॉलर दे चुके हैं। हमने बीते 15 सालों में हिंदू और भारतीय संगठनों को 10 लाख डॉलर और दिए हैं और इन्हीं आंकड़ों की बात करें तो जल्द ही 40 लाख डॉलर भी दे देंगे। आपको बता दें मिहिर कहते हैं मेरी पत्नी और मैं अब तक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को बहुत पैसे दे चुके हैं और वो हिंदू धर्म से बहुत ही प्रभावित है और साथ ही साथ उन्होंने वादा किया है कि आने वाले सालों में भी वो हिंदू धर्म को पैसे देते रहेंगे और अपनी फाउंडेशन पर पैसा लगाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी ना तो कोई स्टार्टअप कंपनी है और ना ही वो किसी तरह का साइड बिजनेस करते हैं। मिहिर का कहना है कि वो वेतन पेशा या कहीं सैलरी पर एक डॉक्टर है। उनकी पत्नी एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर और ज्वेलरी डिजाइनर है। मिहिर का कहना है कि हमारे पास किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग भी नहीं है, हम कोई बड़े बिजनेसमैन भी नहीं हैं, हम अपनी जमा पूंजी को सिर्फ हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। आपने बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा जो हिंदू धर्म के लिए पैसे देते रहते हैं लेकिन मिहिर अलग है क्योंकि पहले वो एक अमेरिका में रहते हैं और उसके बाद ना वो कोई बड़े बिजनेसमैन है ना कोई वो नेता है, केवल वो एक सैलरी पर डॉक्टर हैं। उनकी सैलरी आती है और वो बची हुई सैलरी पूरे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा देते हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर ये डॉक्टर बहुत चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में मिहिर को लेकर अपनी राय ज़रूर लिखिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़बुक।